हाय फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। आज का टॉपिक मैं सैमसंग फ़ोन जो है सो इसका पैटर्न जो आप भूल गए हैं उसको लॉक बिना जो है सो टेक्नीशियन के गए बगैर आप अपने ही घर में अपने ही हाथ से कर ले सकते हैं कि तो किस तरह से आपको तोड़ना है इसका लॉक मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट ले लेना है फ़ोन। लेने के बाद यहाँ पर जो ऑन ऑफ स्विच ऑफ का बटन है और यहाँ पे वैल्यूम अप डाउन का बटन है, इसको क्या करना है, अप वैल्यूम ऐप की तरफ दबाना है, इसको यहाँ पर दबाना है और इसको यहाँ पर पकड़ना है। तो आपको पहले स्विच ऑफ कर लेना है फ़ोन। स्विच ऑफ करने के बाद ये काम करना है। तो मैं इसका ये कर चुका हूँ, अब मैं फिर नहीं करना चाह रहा तो आपको बताना चाह रहा हूँ सिर्फ। तो पहले स्विच ऑफ कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पकड़ लीजिए, ये इजी यहाँ पर, ये सेकंड यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर, इसको आपको तीनों को एक साथ दबा के पकड़ लेना है। पकड़ लेने के बाद मैं आपको आगे का वीडियो बताऊंगा आपको यहाँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले आपको जो है अप्लाई अपडेट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टोरेज, तो ये सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यस डिलीट यूजर डाटा, तो ये ऑप्शन आपको नेक्स्ट में सेलेक्ट करना है। उसके बाद थर्ड आपको वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, तो ये तीन ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसको किस तरह से सेलेक्ट करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ऑप्शन लेने के लिए आपको यहाँ पर वैल्यूम अप डाउन का जो बटन है इससे आपको ऑप्शन जो नीचे ये डाउन कर सकते, इसको अप कर सकते। और ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो बटन दिख रहा है इसको प्रेस कर देने से आपका ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये तीन ऑप्शन आपको सेलेक्ट करके यूज़ करके आपको कर लेना है। आपका स्विच ऑफ हो जाएगा फ़ोन, थोड़ी देर में आपका ऑन हो जाएगा और लॉक हट चुका होगा। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।